नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आखिर क्यों देवी माँ ने शाकंभरी माता का अवतार धारण किया। ऐसा क्या हुआ कि माँ को ऐसा अवतार लेना पड़ा और कौन है ये माता, तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कई असुरों और दानवों के उत्पात से त्रस्त भक्तों ने कई वर्षों तक सूखा एवं अकाल से ग्रस्त होके माँ की प्रार्थना और आराधना की। तब देवी ऐसे रूप में प्रकट हुई कि जिनकी हजारों आंखें थी, अपने भक्तों को इस हाल में देख के माता की इन हजारों आंखों से 9 दिनों तक लगातार आंसुओं की बारिश हुई, जिससे पूरी पृथ्वी पे हरियाली छा गई तथा जीवन रस से परिपूर्ण हो गया। यही देवी सताक्षी के नाम से भी प्रसन्न हुई और इन्हीं देवी ने कृपा करके अपने अंगों से कई प्रकार की शाक, फल एवं वनस्पतियों को प्रकट किया, इसीलिए इनका नाम शाकंभरी प्रसिद्ध हुआ। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शाकंभरी नवरात्रि का आरंभ होता है, जो पौष पूर्णिमा पे समाप्त होता है। इस दिन शाकंभरी जयंती का पर्व मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन असहायों को अन्न, शाक, कच्ची सब्जी, फल व जल का दान करने से अधिकतम पुण्य की प्राप्ति होती है और देवी पार्वती और दुर्गा प्रसन्न भी होती है। तो दोस्तों, ये थी शाकंभरी माँ की कहानी। अगर आपको कोई और भी कहानी जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके बारे में वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें।